हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं हूं एक क्रिस्टल थेरेपिस्ट, अरोमा थेरेपिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट और इसके अलावा टैरो कंसल्टेंसी तो मैं देती ही हूँ। यूट्यूब पर मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं, जनरल रीडिंग्स, तो इसलिए आपको ये रेजोनेट कर सकती हैं या ये आपको रेजोनेट नहीं कर सकती हैं। अपने सन, मून, राइजिंग और वीनस को चेक कर लीजिए। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, अगर आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स या अरोमा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, या फिर आप मेरे बनाए हुए डेली प्लानर को लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर। इस चैनल के अलावा मेरे दो और चैनल्स भी हैं, तो आप अगर वहां पर विजिट करेंगे तो आपको पिके कार्ड रीडिंग्स और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकिंग्स भी देखने को मिलेंगी। तो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अपने लिए पर्सनल सेशंस बुक करवाइए। फिलहाल सितंबर की बुकिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, अक्टूबर की भी फर्स्ट वीक बुक हो चुका है। इसलिए अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आपको काफ़ी पहले से बुकिंग्स लेनी पड़ती हैं क्योंकि बुकिंग्स एडवांस चलती हैं और यू हैव टू वेट फॉर अराउंड 20 to 25 days। आप कभी भी आप आएंगे, क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मंथ की शुरुआत है तो हम शायद बाद में लास्ट में रीडिंग लेने जाएंगे तो हमको जल्दी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आप जब भी रीडिंग लेने के लिए कॉल करेंगे उसके बाद में आपको अराउंड अ मंथ वेट करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आप जल्दी जल्दी से रीडिंग लेंगे तो जल्दी ही आपका नंबर आएगा, आपको वेट कम करना पड़ेगा। और आज की हमारी जो रीडिंग है ये होने वाली है आप लोगों के लिए जेमिनी पीपल, यानी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है। लव रीडिंग है, यू वर्सेस देम रीडिंग है। दो लोगों की मिक्स्ड एनर्जीज आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं। आपकी साइड और आपके पर्सन की साइड स्वाइप कर सकती हैं। टेक व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट, यूज योर कॉमन सेंस। ओके, तो सबसे पहले इस साइड पर जो मेरी एनर्जी जो कार्ड्स हैं वो हैं आप लोगों के लिए जेमिनी पीपल, और इस साइड पर जो मेरे कार्ड्स हैं वो हैं आपके पर्सन के लिए, और सेंटर में हमारे पास जो कार्ड है वो है आपके लिए। और कनेक्शन एनर्जीज, इस कनेक्शन की एनर्जीज है और गाइडेंस कार्ड भी है। तो पहला कार्ड जो है जेमिनी पीपल जो आप लोगों के लिए निकल कर आया है, दिस इज द ग्रेट रेन ऑफ रामा सेक्रीफाइस कार्ड निकल कर आया है। ओके, इस कार्ड के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है। जब राम 14 साल के वनवास के बाद में वापस आए थे और उनका उसके बाद राज्याभिषेक हुआ, उनका राजतिलक हुआ, वे राजा बने, और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसके ऊपर इसके ऊपर यहाँ पर कुछ टैगलाइंस लिखी हुई हैं। हालांकि मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इससे जो पिकअप कर पा रही हूँ, इस कार्ड की एनर्जी से मैं जो पिकअप कर पा रही हूँ, दैट इज़ अ वेरी वेरी सिंसियर टॉपिक। पहली चीज जो मेरे को इसमें समझ में आता है ये कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि षड्यंत्र रचते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले हम लव एनर्जी है, लेकिन हम आपकी जनरल एनर्जीज की भी बात करेंगे। इसमें आपके सभी रिलेशनशिप शामिल हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप के अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ दूसरे रिलेशनशिप, यानी हम आपके और आपके दूसरे कनेक्शन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जो आपको पावरफुल पोजीशन में नहीं देखना चाहते, जो आपसे जेलस फील करते हैं। कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आप पहले आपके सपोर्ट में थे, लेकिन अब वो आपका सपोर्ट नहीं करते, अब वो आपका कहीं ना कहीं छुपे हुए तरीके से, दबे हुए तरीके से आपका विरोध करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको लोगों के विरोध की वजह से असावधानी हो रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग आपके खिलाफ गॉसिप करते हैं, या फिर आपके डीड्स या आपकी रिलेशनशिप या आपकी मैरिज को लेकर आप या आपके जो भी आपने जो भी आप वर्क करते हैं करियर में, हो सकता है ये चीज़, लोग आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, लोग आपके खिलाफ गॉसिप करते हैं, और आप उस गॉसिप से परेशान हो रहे हैं, आप उन बातों से विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और इनकी वजह से आप अपने जीवन के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लेने में मिस्टेक कर सकते हैं, आप गलती कर सकते हैं, आप लोगों के बातों की वजह से, लोगों के कहने में आकर, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, और
आपको सभी लोगों को प्लीज करने की जरूरत नहीं है, आपको सभी लोगों को खुश रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनमें से एक एक को आपको खुश करना है, उनमें से एक एक को आपको राजी करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है जो कि आपको पसंद है और लोगों को पसंद नहीं है, आपसे जुड़े हुए लोगों को पसंद नहीं है, तो आपको प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। अगर लोग आपको प्रेशर में ला कर कोई डिसीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप काफी सारे चैलेंजेस का सामना करके आ गए हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं। आप अपनी पुरानी जो आपकी पहले वाली प्रॉब्लम्स थी उससे तो खैर आप काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन स्टिल चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि हर स्टेप के साथ नया चैलेंज, हर स्टेप के साथ एक नया चैलेंज आपके सामने आ रहा है। हालांकि ये आपको ये सारे चैलेंजेस आपको एक तरह से ग्रेटनेस की तरफ ले जा रहे हैं, आपको महानता की तरफ ले जा रहे हैं, आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है कि आप सेक्रीफाइस, जरूरत से ज्यादा सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहे आप लोगों के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ का जरूरत से ज्यादा आप कहीं सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहे, ये आपको सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है ज्यादा लोगों के भले के लिए आपको अपने किसी छोटे स्वार्थ का आपको त्याग करना पड़े। तो आप देख लीजिए, अगर ऐसा कोई स्वार्थ है जिसका त्याग करने से, अगर ऐसा कोई डिसीजन है जिसको आपके ले लेने की वजह से बहुत सारे लोगों का हित हो जाता है, बहुत सारे लोगों का भला हो जाता है, अगर ऐसा कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं जिसमें धर्म का सहयोग है, जिसमें धर्म का साथ है, जो धर्म है, जो करना सही है, जो करना विवेकपूर्ण है, जो करना न्यायपूर्ण है, तो वो डिसीजन आप डेफिनेटली आप ले सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ लोग आपको दूसरे किसी व्यक्ति के बारे में, हो सकता है या आपके किसी लव कनेक्शन के बारे में, हो सकता है या आपके किसी फैमिली मेंबर के बारे में, हो सकता है आपको गुमराह करने की या आपको गलत फीडबैक किसी व्यक्ति के बारे में देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, दूसरे लोगों की कही हुई बातों की वजह से आपके किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन खराब हो रहे हो, या लोगों के द्वारा कही सुनी हुई बातों पर यकीन करके अपने किसी डिसीजन को बदल रहे हो, तो आपको फिर से अपना विवेक इस्तेमाल करने की जरूरत है कि कहीं आप लोगों के कहने में आकर किसी गलत डिसीजन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, पर्टिकुलर किसी एक लव रिलेशन को लेकर। ये भी आपको सोचने की जरूरत है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को लोग आपके सामने अपराधी की तरह बता रहे हों, या फिर आपके सामने लोग उसको विलेन की तरह पेश कर रहे हो, सकता है वो व्यक्ति इनोसेंट हो, या इसका उल्टा भी पॉसिबल हो सकता है, जिस व्यक्ति को आप इनोसेंट समझ रहे हैं और लोग उसकी असलियत आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो आप उनके बारे में सोचते हैं वो सही है या जो लोग उनके बारे में बोल रहे हैं वो सही है, तो आपको अपना स्व विवेक इस्तेमाल करने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आपका लव रिलेशन के खत्म होने के भी चांसेस हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी जिनकी वजह से आप चाहते हुए भी आप चीजों को ठीक ना कर पाओ, आपको लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ जबरदस्ती के डिसीजंस आपको लेने पड़े इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, इसकी भी संभावना हो जाती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि घर में शांति बनी रहे या फिर आपकी या उनकी लाइफ में शांति बनी रहे, इसके लिए भी आपको कुछ टफ डिसीजंस लेने की जरूरत पड़े अपनी जिंदगी में। इसकी भी मुझे संभावना नजर आती है। गॉसिप से आप बच के रहिए, मतलब लोग अगर आप कुछ गॉसिप कर रहे हैं उससे तो खैर आपको बच के रहना ही है, लेकिन जेमिनाई पीपल आपको भी गॉसिप करने से बचना है। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्शन कर रहे हैं जो उसकी इमेज को डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी इमेज को डैमेज कर सकता है, तो इससे तुरंत आप अपने आप को रोक लीजिए। वैसे भी जेमिनाई पीपल के साथ में मैंने देखा है कि गॉसिप का उनके साथ में शब्द जुड़ा हुआ रहता है आपके साथ। जेमिनाई पीपल को अक्सर ये का ब्लेम किया जाता है इनके ऊपर कि ये गॉसिप में शामिल रहते हैं, लेकिन जो भी गॉसिप अगर आप करते हैं तो इसका अल्टीमेट खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए जहाँ तक हो सके लोगों के बारे में गलत जानकारियाँ फैलाने से, गॉसिप करने से, रूमर्स फैलाने से आपको बिल्कुल डेफिनेटली बचना चाहिए।
इस कार्ड में खास तौर पर इस बात का जिक्र है कि राम ने सीता को जो एग्जाइल दिया था सेकंड टाइम, सीता का जो सीता जी का जो वनवास हुआ था उसके बारे में इसके ऊपर पॉइंट आउट इस वर्ड को किया गया। हालांकि पर्सनल मेरी पर्सनल राय में तो खैर आई डोंट थिंक कि एक हाईली एनलाइटेंड पर्सन लोगों के कहने से आकर या गॉसिप की वजह से अपनी अपनी वाइफ को छोड़ देगा या अपने मैरिज को खराब करेगा। तो राम के जैसे हाईली एनलाइटेंड पर्सन के लिए इस तरह की जो बातें हैं, आई डोंट बिलीव इन सच गॉसिप्स। मुझे ये पूरी गॉसिप लगती है, गपबाजी लगती है। यदि आपके और हमारे जैसे लोग भी एक साधारण कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर एक हाईली हाई कॉन्शियसनेस में जब हम पहुंच जाते हैं, तो हम जैसे लोग भी स्वविवेक का इस्तेमाल अगर करेंगे तो अपने रिलेशन को, अपनी मैरिज को लोगों के कहने से, जबकि हमें अपने ऊपर विश्वास होता है कि हाँ यस माई पर्सन इज करेक्ट, मेरा पर्सन बिल्कुल ठीक है, हमारा रिलेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोगों के कहने की वजह से धर्म के नाम पर या समाज के नाम पर या नीति नियमों के नाम पर अपनी मैरिज को खराब कर देने जैसा अविवेकपूर्ण काम भगवान राम ने किया होगा, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जब ये कार्ड आया तो मुझे लगा कि मुझे अपने विचार आपके सामने, हालांकि इसका इस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं, फिर भी आई गेस कि मुझे ये बात आपके सामने उठानी चाहिए। और वैसे भी ओरिजिनल रामायण के अंदर जहाँ वाल्मीकि रामायण लिखी हुई है या जहाँ रामचरितमानस जो लिखी गई है, इसके अंदर भी इस तरह के चीजों का जिक्र किया ही नहीं गया। राम के राज्याभिषेक के बाद रामायण को छोड़ दिया गया था लिखना, और रामचरितमानस में भी इसके आगे का जिक्र नहीं। बाद में उत्तरकांड के नाम से जोड़े गए, ये बाद के जोड़े गए, जैसे किसी व्यक्ति की इमेज को खराब करने की कोशिश की जाती है। आप देख लीजिए, मुझे लगता है कि ये कार्ड आपके लिए आया है तो जरूर ऐसी कोई घटना आपकी जिंदगी में, सिमिलर घटना आपकी जिंदगी में जरूर घट रही होगी। जानबूझकर किसी व्यक्ति की इमेज को खराब करने की कोशिश की जाती है। जान आप देख रहे हैं ना, राजनीति में पॉलिटिक्स में भी तो आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति को महिमा मंडित किया जाता है कि ये भारत का रक्षक है, ये भारत का सेवक है, महान है, दैट इज ऑल। और एक व्यक्ति को पूरा बेवकूफ की तरह पेश किया जाता है, पप्पू है। तो लोगों का नजरिया जो होता है वो लोग प्रोजेक्शन करते हैं, जानबूझकर ऐसे प्रोजेक्शन करते हैं कि किसी एक व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश की जाए और किसी एक व्यक्ति की छवि को बहुत अच्छा बना देने की कोशिश की जाए। तो जहां तक मुझे लगता है, राम के बहुत बाद में जो दूसरे रिलीजन्स थे, जैसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन हाँ दूसरे रिलीजन्स ने इस तरह की कोशिश की कि राम की इमेज को खराब करने की, राम को एक अविवेकी पुरुष साबित करने के लिए इस तरह की, अगर ये कोरी गप के तौर पर उत्तर रामायण का निर्माण हुआ हो तो मुझे इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है कि ऐसा हुआ होगा। आप लोगों की रीडिंग के साथ में एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगी कि लाइफ में कभी भी जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सुन रहे, किसी भी चीज में, किसी भी न्यूज के बारे में आप कुछ भी सुने, तो अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कीजिए, सेल्फ अवेयरनेस का इस्तेमाल कीजिए। अवेकन पर्सन कभी भी इस तरह की, पहली चीज तो अविवेकपूर्ण निर्णय नहीं लेंगे, और अवेकन पर्सन कभी भी इस तरह के रूमर्स नहीं फैलाते, अवेकन पर्सन कभी भी इस तरह के गॉसिप नहीं फैलाते हैं, और अवेकन पर्सन दूसरों को जजमेंट नहीं करते हैं। और जो रामायण में जिस तरह की अयोध्या की प्रजा को डिस्क्राइब किया गया है कि अयोध्या की प्रजा धार्मिक प्रजा है, वैसे भी धर्म का पालन करते हैं, वैसे भी अपने राजा को प्यार करते हैं, वैसे भी नीति नियमों का पालन करते हैं, बहुत विवेकशील, बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी वहाँ के जनसंख्या हुआ करती थी। और जो शुरुआत में आप देखेंगे रामायण के अंदर, तो जो सॉरी फॉर अगर मैं ट्रैक से भटक रही हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ यहाँ कहनी चाहिए। आप शुरुआत में देखेंगे जब फर्स्ट रामायण राम का जब वनवास होता, उस समय में अयोध्या की प्रजा राम को नहीं जाने देना चाहती थी, और दो दिन तक वो उनके साथ में आगे जंगल में जाती रही कि उनको अपने राजा को नहीं जाने देना है। ऐसी प्रजा का जो एक बार वर्णन किया गया, 14 साल के बाद में वो प्रजा इतनी बदल जाती है कि वो अपनी रानी को वनवास देने को तैयार हो जाती, एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने देश से निकाला देने के लिए तैयार हो जाती। क्या आपको लगता है कि जहाँ पर इतने विवेकी पुरुष रहते थे, इतने ज्ञानी पुरुष रहते थे, जहाँ पर बड़े समझदार मंत्री रहा करते थे, वो सब मिलकर इस तरह का डिसीजन उन्होंने दिया होगा? तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको अवेकन होने की जरूरत है, आपको अपना स्वविवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत है, और आपकी जिंदगी में या आपसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ या किसी भी तरह के अगर गॉसिप रूमर्स फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो या आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए लोगों के द्वारा साजिश की जा रही है, तो
मुझे लगता है कि आपको सावधान होना चाहिए। और मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, राम कब जब पहली बार में राज्य तिलक होने वाला था तब भी साजिश रची गई और उनको गद्दी से नीचे उतार दिया गया, और दूसरी बार जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब भी उनके साथ में एक तरह से गद्दी से उतारने की ही साजिश रची गई थी, क्योंकि उनको सभी को पता था, क्योंकि शुरुआत में तो फर्स्ट फर्स्ट टाइम पर चलो जो भी हुआ दैट ऑल यू नो, लेकिन सेकंड टाइम की मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि सेकंड टाइम में जब राम का राज्याभिषेक हुआ था ना, उस समय सबको ये पता चल चुका था कि राम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, राम अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए सबसे बड़े महा राक्षसों की सेना से जाकर भिड़ गए, बिना मतलब आपको यू नो द स्टोरी, उन्होंने कितने संघर्ष करके उस वाइफ को उन्होंने वापस लाया और उसको सम्मान के साथ में उसने उन्होंने उनको अपने साथ गद्दी पर बिठाया, मतलब दैट वाज अ एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि ये राम अपनी पत्नी के बिना एक दिन भी गद्दी पर नहीं बैठेगा, और इसीलिए उनकी वाइफ को टारगेट किया गया, उनकी वाइफ को टारगेट किया गया, उनकी वाइफ की इमेज खराब की गई, और इस बार इस तरह से साजिश रची गई कि उनकी पत्नी को अगर देश निकाला दिया जाएगा, अगर उनकी पत्नी राज्य छोड़कर चली जाएंगी तो डेफिनेटली राम भी राज्य से गद्दी से उतर जाएंगे और वो भी अपनी पत्नी के साथ दोबारा वनवास में चले जाएंगे और गद्दी एक बार फिर से खाली हो जाएगी। ये साजिश कहाँ से रची गई हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो यदि एक बार उनके साथ में ऐसी सीवियर साजिश हुई थी कि उनको गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया तो दोबारा भी इसके चांसेस हैं कि जब वो गद्दी पर बैठे तो दूसरी चीज को मोहरा बनाकर, उनकी वाइफ को सीता को मोहरा बनाकर उनको गद्दी से उतारने की कोशिश करने की साजिश की गई हो, मुझे ऐसा बिल्कुल डेफिनेटली लगता है। आप देख लीजिए कि ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में कहां पर आके फिट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जरूर फिट होती है, इसीलिए आपके लिए ये कार्ड निकल कर आया, सेक्रीफाइस कार्ड निकल कर आया है। और मुझे सॉरी मैं बिल्कुल भटक गई हूँ अपने लेकिन इस जगह पर इस टॉपिक के अलावा मैं और इस बात को कहीं नहीं उठा सकती। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस बार राम को षड्यंत्र का समझ में आ गया, राम और सीता दोनों को ही षड्यंत्र का पता चल गया कि यहाँ पर क्या गेम खेला जा रहा है, इसलिए उन्होंने आई थिंक कि उन्होंने दोनों ने आपस में मिलकर ये डिसीजन लिया कि इस टाइम हम इस साजिश को फेल करेंगे, और इसलिए उन्होंने आपस में मैं बिल्कुल बाहर से दुनिया को दिखाने पर शायद ऐसा हो सकता है कि राम और सीता सेपरेट हो गए, राम ने सीता को छोड़ दिया, ये सब कुछ बाहर बाहरी आवरण था जो दिखाया गया, अंदर की बात ये है जो कि मुझे पता है अंदर की बात ये है कि राम और सीता ने प्लान किया कि हम दोनों सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर इस वक्त में राम गद्दी छोड़कर जाएंगे तो उनके होने वाले बच्चों को भी वारिस नहीं बनाया जाएगा, इसलिए क्योंकि उस वक्त में सीता प्रेग्नेंट थी, उन्होंने ये प्लानिंग बनाया कि जब तक हमारे बच्चे गद्दी संभालने लायक नहीं हो जाते, जब तक युवराज घोषित करने लायक नहीं हो जाते, तब तक लोगों को मुंह बंद करने के लिए या इस प्लानिंग को फेल करने के लिए सीता अलग रहेंगी, एंड क्योंकि वो इंटरनली कनेक्टेड थे, वो हमेशा जुड़े हुए थे, वो कभी अलग नहीं हुए थे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और इस प्लानिंग को फेल करने के लिए ये किया गया था, और फिर 8 से 10 साल के बाद जब लव और कुश बड़े हो जाते हैं तब सीता उनको रिटर्न बैक कर देती है, ओके, और उसके बाद में आई थिंक मुझे लगता है सीता का रोल वहाँ खत्म हो जाता है, इसलिए उनको धरती में समा गया ऐसा कह दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में किसी को पता नहीं है कि उसके बाद में क्या हुआ था, और इसलिए इस चीज़ मुझे ये भी नहीं लगता कि धरती में सीता इतनी जल्दी समाई थी, आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं हुआ था। हाँ ये हो सकता है धरती में सीता के समाने का मतलब ये कि सीता ने दोबारा राजगद्दी पर नहीं बैठा, सीता ने महारानी का जो पोस्ट थी ना वो उन्होंने स्वीकार नहीं की होगी, वो राम की पत्नी बन के जरूर रही होंगी लेकिन वो जो राजकाज के जो काम थे उसके अंदर उन्होंने एज ए पोस्ट एज ए महारानी की पोस्ट उन्होंने स्वीकार नहीं की थी, और इसीलिए उनको कहा गया कि धरती में समा गई। धरती में समा गई का मतलब है कि उनका सिग्निफिकेंट रोल राज्य के अंदर अयोध्या के अंदर से उनका सिग्निफिकेंट रोल खत्म हो गया, और इसलिए उसको धरती में समा जाने का एक तरीके का जामा पहनाया गया है। शी वॉज देयर और वो राम की पत्नी थी, हमेशा राम की पत्नी रही थी, हालांकि इस पूरी साजिश को खत्म करने के लिए फेल करने के लिए सीता ने महारानी पद से जरूर से त्याग दिया था और बच्चों को लेकर वो कुछ समय के लिए जरूर से आउट ऑफ अयोध्या रही थी, ये मुझे संभावना लगती है, और इसी को बाद के लोगों ने तोड़ मरोड़ कर जिस भी तरीके से पेश किया वो आप लोगों के सामने आज का है। मुझे जहाँ तक मेरी इंट्यूशन बोलती है ये घटना इस तरीके से घटी थी जैसे मैंने आपको बताया है।
और राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, मेरे को इस बात पर भी पूरा डाउट है। इसके भी कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं, अगर कभी इसी डेक के अंदर से कभी अग्नि परीक्षा का कार्ड निकल कर आया तो मैं आपको अपने विचारों से व्यक्त करूंगी। राम जैसा इंसान अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा नहीं ले सकता। एनीवेज आपको भी एनालिटिकल होने की जरूरत है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कर लीजिए, आंख मीच कर विश्वास मत कर लीजिए। आप कितने भी धार्मिक हों, आप कितने भी भगवान को या धर्म को आप मानते हो, लेकिन धर्म की सारी बातों को एज सच ग्रहण कर लेना, अंधविश्वास करना, अंधों की तरह दूसरों को फॉलो करना, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। और यही यहाँ पर मुझे लगता है भगवान राम का ये कार्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपके रिलेशंस में इन सब गड़बड़ों की वजह से कम्युनिकेशन में मिस्टेक आई है, अगर आप दो लोगों के बीच में इसलिए सेपरेशन आया है क्योंकि दूसरे लोगों ने इस तरीके से कोई साजिश रची है, तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दीजिए। आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और दूसरा कार्ड आपके लिए यहाँ पर कनेक्ट, वंडरस यूनिवर्स, डेफिनेटली ये यूनिवर्स वंडरफुल है। आप भरोसा कीजिए कि आपकी जिंदगी में सब कुछ खराब खराब होने के लिए यूनिवर्स ने कोई आपको यहाँ पर नहीं भेजा है। इस बात को वॉक इन ब्यूटी, आपके लिए खूबसूरत एनर्जीज, आपके लिए खूबसूरत लाइफ का निर्माण इस यूनिवर्स ने करके रखा हुआ है। थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके देखिए, नजरिए को चेंज करके देखिए, तो आपको जो जो चीज़ें खत्म हो गई उसके अंदर आपको नई उम्मीद नजर आएगी, मुझे ऐसा भी लगता है। और देखिए आपके लिए यहाँ पर भी कार्ड आया है, आर यू टेकिंग एक्शंस टू ब्रिंग योर ड्रीम्स इनटू योर रियलिटी, अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड। कल मैंने एसआरटी सेशन में भी दिया था, वहाँ भी मैनिफेस्टेशन का बारे, अभी पिछली रीडिंग दी थी उसमें भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया, आज फिर से वही कार्ड निकल कर आया है। आर यू टेकिंग एक्शंस टू ब्रिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए कुछ एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि सिर्फ आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने कुछ बोल दिया, आप करना कुछ और चाहते हैं लेकिन आप कर कुछ और हैं, नहीं। जो आप वही एक्शन लीजिए जो आप करना चाहते हैं, आप वही एक्शन लीजिए जो आप अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। Do you know what you need to do to build your life as you want it to be? अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से निर्मित कीजिए। Take action and envision your future to tap into the part of you that knows how to create reality. अपने उस मोड में आ जाइए जो ये जानता है कि रियलिटी को कैसे क्रिएट किया जाता है। रियलिटी घटती नहीं है, रियलिटी को क्रिएट किया जाता है। घटनाएं आपके साथ घटती नहीं है, घटनाओं को आप घटित करवाते हैं अपनी जिंदगी में। Recognize that there is a plenty of everything to go around to construct your reality, so your basic needs are met with plenty to share. Victim mentality से बाहर निकलिए, lack mentality से बाहर निकलिए। बहुत है, खूब सारा है, wondrous universe। यूनिवर्स ने आपको भर भर के देने की इच्छा करता है, आपको हाथ फैलाकर विश्वास रख के केवल मांगना है और आपको दिया जाएगा। बीवर कार्ड है ये, कल परसों किसी पिके कार्ड रीडिंग में भी यही कार्ड निकल कर आया था। माय थॉट्स एंड एक्शंस क्रिएट फेवरेबल रिजल्ट्स, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप एक्शन करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, अगेन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सही प्लानिंग, सही एक्शन, सही थॉट्स का इस्तेमाल करके उस रियलिटी का अपनी जिंदगी में लेकर आइए। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को आपको मैनिफेस्ट करना है तो विश्वास रखिए कि आप अगर दिल से चाहेंगे तो ये व्यक्ति का मैनिफेस्टेशन आपकी जिंदगी में हो सकता है। ब्यूटीफुल रीडिंग। कनेक्शन एनर्जी पर जो हमारे पास में कार्ड आया है, हार्ट ऑफ द ओरेकल, काम विद इन द स्टॉर्म। यस, तूफानों के बीच में भी आपको शांत रहना है क्योंकि गॉसिप फिर सेक्रीफाइसेस, ये मुझे लगता है आपकी जिंदगी में काफी डिस्टर्बेंस चल रहे हैं रिलेशनशिप के अराउंड, लेकिन तूफानों के होते हुए भी आपको अपने आप को शांत रखना है क्योंकि एक शांत मस्तिष्क ही एक अच्छी रियलिटी का निर्माण कर सकता है। अपनी पॉजिटिविटी को, अपने एंथुजियाज्म को, अपनी एनर्जी को डाउन मत होने दीजिए। अपने गोल्स के पीछे लगातार अपने गोल्स के पीछे जाते रहिए और किसी अच्छी एडवाइस को लीजिए, अच्छी गाइडेंस को लीजिए, किसी अच्छे गुरु को आप फॉलो कीजिए। ओके, और अपनी अपनी थॉट्स को और अपनी थिंकिंग पैटर्न को आप नेगेटिव मत होने दीजिए, ऐसा आपके लिए कार्ड आया है। एंड पैशन एंड प्लेजर, खुश रहिए, आनंद में रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, जिंदगी को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। चाहे स्थितियां कैसी भी हो, चाहे बाहरी स्थितियां कैसी भी हो, अपने अंदर के वातावरण को आप खुशहाल बना के रखने की कोशिश कीजिए। गोल्ड फिश, गुड लक, गुड टाइम इज कमिंग टूवर्ड्स यू। इस रिलेशनशिप में फिर से एक फ्लॉरिश हो सके, ये रिलेशनशिप फिर से एस्टेब्लिश हो सके, इसकी काफ़ी संभावना है। लक इज ऑन योर साइड, फॉर्चून इज ऑन योर साइड। आप कितने स्किलफुल तरीके से
कितने अबंडेंट, कितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रिलेशन पर काम करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे बनेगा। गोल्डन टॉपेज, अगेन वेरी लकी कार्ड गोल्डन टॉपेज, जो सुनहला जिसको हम बोलते हैं, पुखराज सॉरी। You are peaceful and prosperous. Are you having success with your business? Harmony abounds. Now it is time to relax into good fortune. Pay attention. Good opportunities are available to you. You are incredibly lucky. देखिए आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, चाहे वो आपके करियर की बात हो या आपके फाइनेंस या आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात हो या आपके किसी भी तरह के मुद्दे की पर्सनल मुद्दों की बात हो, आपके लिए गुड लक का कार्ड आया है, आपके लिए लकी होने का कार्ड आया है। तो आपको सिर्फ अपने माइंडसेट को अबंडेंट बनाकर रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है और डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। ओके, उसके बाद में तीसरा जो हमारे पास में कार्ड आया है, दिस कार्ड आपके पर्सन की साइड की जो एनर्जीज है वो एनर्जीज क्या बोलती है। ये जो कार्ड है ना, इस पर लिखा है लॉर्ड रामा ट्रेवलिंग विद हिज ब्रदर एंड अ ग्रेट सेज सीक्स टू विन द हैंड ऑफ गॉडेस सीता। ये उस समय का घटनाक्रम का वर्णन है जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में वनवास में सॉरी वन में जाते हैं, राक्षसों का वो उनके यज्ञ का विध्वंस करने के लिए राक्षसों का मारते हैं और उसके बाद में वो जनक जी के दरबार में जाते हैं और सीता को स्वयंवर करके सीता को शादी करके लेकर आते हैं। यानी कि यहाँ पर ये एक तरीके से मैस्कुलिन एनर्जी के एक्टिवेट होने का कार्ड है। मैस्कुलिन आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, उसमें मैस्कुलिन एनर्जी जागृत हो रही है। जैसे राम का जो एक्चुअल जिंदगी शुरू हुई थी ना, राम की जो स्टोरी शुरू हुई थी वो विश्वामित्र जी के साथ बाहर निकलने से ही शुरू हुई थी। उससे पहले तो वो बचपन था उनका, वो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे सब, लेकिन पहली बार वो विश्वामित्र जी के साथ बाहर निकले, उन्होंने अपना जो ब्रेवरी दिखाई, उन्होंने राक्षसों को मारा, उन्होंने स्वयंवर को जीता, वो सीता को लेकर आए, तो वहां से उनकी जो प्रशंसा थी, वहां से उनकी जो चर्चा थी, वहां से एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ग्रेट ग्रेट एज अ ग्रेट पर्सन, एज अ ग्रेट प्रिंस, उनकी जो ख्याति फैलनी शुरू हुई थी वो इसी घटना के साथ में शुरू हुई थी। तो आपका जो पर्सन है वो अपनी जिंदगी में इस वक्त में बहुत एक्टिव है, अपनी जिंदगी को बनाने में, उसमें कहीं एस्टेब्लिश होने में, कोई अच्छे गोल्स अचीव करने में लगे हुए हैं और उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी जागृत हो रही है। यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट्स करना, सक्सेस की दिशा में जाना, इस तरह की मैस्कुलिन एनर्जी आपके पर्सन के अंदर एक्टिवेट हो रही है और आपकी इस रिलेशनशिप में भी मैस्कुलिन एनर्जी जागृत हो रही है। मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन में जब आती है, यानी फेमिनाइन एनर्जी तो मुझे लगता है कि पहले आपकी काफ़ी अभी पिछले समय में अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स है तो आपकी एनर्जीज फेमिनाइन एनर्जी तो बैलेंस हुई है, लेकिन अब मैस्कुलिन एनर्जी यानी यिन यांग बैलेंस भी इस रिलेशनशिप में आ रहा है। A great quest unfold with favorable signs. Definitely आपके जो पर्सन है, जो आपके साथ जुड़े हुए, उनको भी कुछ फेवरेबल साइंस मिल रहे होंगे और बहुत सारी आपके रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारी मिस्ट्रीज, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स इस समय में उनको मिल रहे होंगे। वो आपको ऑनर करते हैं, योर पर्सन ऑनर्स यू, वो आपको एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की तरह देखते हैं, वो आपको एक ग्रेट अचीवमेंट की तरह देखते हैं, आपको एक ग्रेट रिवॉर्ड की तरह देखते हैं। आपका मिलना उनके लिए एक बड़ी घटना, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। यू आर लाइक अ हाई प्राइस फॉर दैट पर्सन। वे आपके लिए प्योर हार्ट, प्योर माइंड से वो आपको प्यार करते हैं। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, उनकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू हो चुकी है, वो अच्छे समझदार लोगों के साथ घिरे हुए हैं और वो अपनी आगे की जीवन की यात्रा में आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, वे आपकी दिशा में बढ़ना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, वो अपनी जीवन की यात्रा आपके साथ बिताना चाहते हैं। वे अब अपने लिए स्वयं चुनाव करना चाहते हैं, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है। वे इस रिलेशनशिप में हार्मनी, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ में अपनी जिंदगी के न्यू साइकिल बिगिन करना चाहते हैं। आपके और उनके मिलने में अगर किसी तरह के ऑब्स्टेकल्स हैं, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो वो उनको दूर करना चाहते हैं और वो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि वो भी आप भी उनके अंदर विश्वास बनाए रखें, आप भी उनकी दिशा में आए, आप भी उनकी दिशा में कम्युनिकेशन लेकर जाएं, ऐसी उनकी भी इच्छा है। दूसरे जो कार्ड्स है हमारे पास में, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स एंड दिस इज मैग्नेटाइट ऑक्टाहेड्रन कार्ड, इस साइड पर हमारे पास बियर कार्ड है यहाँ पर।
तो ये कार्ड्स का कहने का क्या अर्थ है, और साथ में इस कार्ड को भी अभी मैंने छोड़ा नहीं है, इन तीनों ही कार्ड्स का मिला जुला जो अर्थ निकल कर आता है वो ये कि आपकी जिंदगी में अब तक जितने भी इवेंट्स हुए थे वो आपको आगे के लिए भविष्य के लिए प्रिपेयर करा रहे थे, और आपके आपके साथ में इन इवेंट्स का इसी तरीके से होना जरूरी था, और आपने शायद इस घटना तक, इस लेवल तक, इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए बहुत इनर वर्क किया है, आपने बहुत मेहनत की है खुद पर, और उसके गुड रिजल्ट्स अब आपको मिलने वाले हैं, आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है, ब्लेसिंग्स आपकी दिशा में आने वाली हैं, ब्लेसिंग्स आपकी दिशा में आने वाली हैं, और आपके व्यक्ति आपके साथ में अपने रिलेशनशिप में पीस मेंटेन करके रखना चाहते हैं, वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, वो आपके साथ में अपनी जिंदगी को आगे देखना चाहते हैं, दे वांट टू बी विद यू, उनका जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है वो शुरू हो चुका है, वो सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, वो अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, वो आपको विन करना चाहते हैं इस रेस में, आपको पाने की जो रेस है उसके अंदर वो जीतना चाहते हैं, ओके और ऐसा भी पॉसिबल है कि आने वाले समय में वो आपको अप्रोच करें, वो आपसे बातचीत करें, वो आपसे कम्युनिकेट करें, और आपको शायद किसी तरह का हायर लेवल पर ले जाने का आपको प्रपोजल दें, और वो आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करें, डेफिनेटली वो भी आपके बारे में नॉस्टैल्जिक है, वो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, जैसे कि आप उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वैसे वो भी आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद में आपके पर्सन की तरफ से जो आपके लिए मैसेजेस निकल कर आए हैं, यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ, आपकी स्माइल उनको बहुत पसंद है, यानी वो आपके आपके क्यूट नेचर को पसंद करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, और आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको स्माइलिंग हंसता हुआ देखना चाहते हैं, You care and comfort me when I am in bad mood. और वो चाहते हैं कि जब भी वो, क्योंकि वो आपको ये कह रहे हैं कि जब वो बैड मूड में होते हैं तब आप उनको किस तरीके से संभालते हैं, किस तरीके से आप उनके बैड मूड को गुड मूड में कन्वर्ट करते हैं, वो उसी एनर्जी को फील करना चाहते हैं, वो आपके अराउंड रहना चाहते हैं ताकि वो अच्छा फील कर सकें, एंड यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग, और उनको ये पता है कि आप उनके बारे में जब भी वो जो भी सोचते हैं आप उनकी एनर्जी को कैच कर लेते हो, वो क्या सोच रहे हैं ये बात आपको पता होती है, और ये बात उनको पता है कि आपको पता है कि उनको पता है, ओके, सो दिस इज द ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू Gemini पीपल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय.